यशा जब बॉर्न हुई थी वो लम्हा मुझे आज याद आ रहा है। तो हम हैदराबाद उसको देखने गए थे, वो मोमेंट्स आज भी हम नहीं भूल सकते। मैं तो मेरी जस्ट शादी हुई थी और यशा हुई। आई स्टिल रिमेम्बर द डे मम्मी वॉज विथ मी एंड आई वॉज ऑन द डाइनिंग टेबल डांसिंग फॉर 10 मिनट्स कि वी हैव द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द न्यू जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। फॉर मी मैं जब तो 10 साल की थी जब यशा बॉर्न हुई थी, आई वॉज वेरी स्मॉल एंड मुझे ऐसे उषा भाभी है, सुनील भैया है, हाँ सबसे बड़े भैया है, भाभी है, अभी बच्चा आया है, आया होगा। आई वॉज वेरी नेचुरल एंड न्यूट्रल, ठीक है, इट्स अ न्यू मेम्बर इन द फैमिली, वैसा मेरा फीलिंग था। यशा वॉज बॉर्न, शी वॉज लाइक सो स्वीट, लाइक शी वॉज चपी चपी, लाइक गुंडो गुंडो थी एकदम, एंड शी कुडंट कंट्रोल हर हंगर, भूख लगी कि शी यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू गो रन गेट बॉटल ऑफ मिल्क, आई यूज्ड टू कीप इट इन अ माउथ, देन शी वुड बी क्वाइट। डोरी खींची डोरी पलने की दोने मोरी, मेरे सपनों को जलाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोड़ी, भले निंदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बचपन में मुझे याद नहीं कभी मैंने उसको खिलाया है बैठ के, उसकी बुआ खिलाती थी, उसकी माँ उसकी बुआ भी थी जब वो 6 महीने की थी, और मेरे पास जब सुनील भैया उषा भाभी उसको छोड़ के गए थे, तो मैं उसी टाइम जैसे एक अपने डॉटर को कोई रखता है, मैंने उससे ज़्यादा किया होगा, मेरी डॉटर के लिए भी मैंने उतना नहीं किया जितना यशा के लिए उस टाइम किया था, एंड आई रियली लव दैट पीरियड, कि मतलब कैसे गोइंग आउट ऑफ द वे एंड टेकिंग केयर ऑफ हर। शी वॉज अ साउथ इंडियन बेबी, Humpty Dumpty and sweet looking with that kajal in her eyes, and she was a precious because she was only one, you were the only one for us, a sweet doll. Jab hum chote the we used to go to Hyderabad, our summer vacations, idli sambar sab, you know, spreading all the mess, roz subah uthna, going, you know, exploring new places in Hyderabad. Ek dada uske liye balloon late the usko balloon dada bolte, ek dada uske liye shing late the to usko shing dada bolte, aur uske jo दादा है वो बस नॉर्मल थे, ऐसे उनको ज़्यादा बच्चों का नहीं था, लेकिन बस देते थे। जैसे कच्ची पपई होना, कच्चा केला होना, मैं कहाँ कहाँ से उसके लिए लेके आता था, और वो बोलती थी दादा बराबर मेरे याद रखते हैं, मेरे को बराबर जो चाहिए वो लाके देते हैं, मैं कभी उनका प्यार भुला नहीं पाऊंगी। जो मेमोरीज है वो सब हमारी बचपन की, समर वैकेशन की, हैदराबाद की मेमोरीज रही है, एंड फाइनली दिस डे आई एम हैप्पी एंड सैड, सैड बिकॉज वो दिन वापस नहीं आएंगे। यशा इज रियली वेरी स्वीट एंड वेरी क्लियर इन अ थिंकिंग, शी डिसाइड्स इन अ सेकेंड, so once she's decided something she will get it done, there's no choice ki she will not leave, she'll be behind that ki wo to hona hi hai karke, वो जो सोचेगी वो करेगी और उसको मिलेगा। अपन सोचते हैं कि कुछ करने से ही मिलता है, मेहनत करके ही मिलता है, नहीं, कल्पना करके, उसकी कल्पना शक्ति इतनी पावरफुल है, शी विल क्रिएट। वन रियली गुड थिंग अबाउट यशा दैट शी कैन जस्ट यू नो मर्ज विद एनी जनरेशन एंड मेक देम फील कंफर्टेबल। खुद मस्त रहती है, लोगों को भी मस्त बोलती है, खुशी से रहो, मज़े से रहो, तो उसका ये जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद है। यशा एक ऐसी लड़की है, मन मोहने वाली, एकदम सबको लेके चलने वाली, सबको मिलनसार एकदम लड़की है, सबका, इवन नौकर का भी, सर्वेंट का भी वो इतना ध्यान रखती है, पहले अपने कपड़े खरीदने के पहले नौकरों के कपड़े जाके माप से खरीद के लेके आई और उनको पहनाई, बोले वो पहले पहनेंगे फिर मैं पहनूंगी, इतनी उसमें समझ डेप्थ है। यू हैव बीन माई आइडल सिस्टर, being the youngest one I have always followed you, and let it be whatever you have encouraged me for everything, let it be my career, let it be for the little poop in har ki dun, it's for everything, the most she's been the most idol sister for all of us। ki yasha ek aisa dhaga hai जो मोती पिरो पिरो के सबको अपने रिश्तों में संभाल के रखती है। हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं कि कीप यशा एज अ रोल मॉडल, स्पेशली फॉर हर डेडिकेशन,
she is very dedicated in every field. Like uska health le lo ya uska matlab profession le lo, everything. So we teach our kids that Yasha is bigger to you, and there are things to learn from her. डेटा बनाने का संजोग आया, पूछा तो मुझे रुक जा रहा करना, देख लो. She disclosed it when one day when she had come over for dinner and see that time she, I was behind her dada ki now we should start seeing for her. So she was really tense. Now I have to disclose that thing to everyone ki I am going steady with this guy. There were disapprovals from his family, there were disapprovals from my family. We convinced his family first, then we convinced our family first. People that nahi bahar biradri mein shaadi kyun kar rahe hai, hamare biradri mein there are no girls left or what. As and when hum log ko jaise jaise pata chalte gaya about Vaibhav, about his family, about how Yasha and Vaibhav are together, we also moved on and we never went back. She wanted to be there in the first interview. I said nothing doing Yasha, you are not there. So she actually fought with me, she fought with everybody in the house, but I was very firm. Nay, I don't want Yasha in that interview. Because I told her ki mujhe Vaibhav se baat karni hai, tere samne main kya baat karunga. She said nahi chacha, main side mein baithungi. Main bola nahi, side mein nahi baithna, I don't want you there. But I'm glad we had a very good interview. He's full of manners and down to earth. Very much down to earth, yes. And the ethics of a good family I seen in him. पूरे family members को उसने समझाया कि मुझे इसके साथ क्यों शादी करनी है, किस लिए करनी है, और वो अपने decision पे firm रही. और हम family वालों ने भी उसकी बात समझ के हमने उसका रिश्ता वैभव जी के साथ में किया. I remember Yasha ने मुझे वैभव से मिलाया था, याद है वैभव, in the train. मासी मैं मिलाती हूँ आपसे, you know that was a very good thing which you confined in me. So the very first moment I saw him, I said, Yasha, yes, your choice is very good. Their approval was the biggest thing for me. I mean, without that, I wouldn't have married him. That is for sure. हमने वैभव को जो हिसाब से देखा है और यशा को जानती है ना, वो बहुत अच्छी पेयर है. My parents are pretty chilled out. I mean, I am like blessed. I am really blessed to have parents like them. Who understood every stage of my life. Finally, that we are getting married, so this can't be expressed like through words, to be very frank. So it's not a journey that you see today. It's a long journey since 10 years, say, and 10 years ka result we are getting it today. Rab varga, mainu hai mera.
Vaibhav is a very sweet person. He's an honest soul. And the best quality I like about him, he handles me very well. And we are complete opposites. And I don't think so any man can handle me as well as Vaibhav does. So, I mean, that's the reason we have been together since so many years. दिल में बसा है मेरा सारा जहां पहला प्यार तू मेरा तू ही आखिरी सनम तेरी चाहत को मान बैठा मैं हूं खुदा गुड क्वालिटी इट्स हर नेचर सेकंड थिंग शी इज इनटू स्पिरिचुअल व्हिच इज रियली नाइस देयर इज वन girl in my building, Jinal. She was with Yasha. She was with Yasha, so like she introduced me to Yasha. So we were friends before. We used to play together. We were in touch then. And I was in college. He was also in college. We were in FY or SY, I guess. That time, मैंने ऐसे decide किया था like she's the one, she's the girl, like जिससे मुझे शादी करनी है and I will spend my whole life with her. ये धूप तेरी मिलती रहे तो सौ मर्तबा सर्दियाँ मांग लूँ तू पास यूँ Since childhood we know each other and हमारे building के बाजू में एक गलीज है so we used to meet there boyfriend girlfriend ज़रूर थे लेकिन हम लोग ऐसे वो ये side walk करते मैं ये side walk करता था ऐसे बस खाली आँखों आँखों में देख के smile करके ऐसे हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ने लगे we were like very shy and friends कोई भी चिढ़ाता भी था ना तो ऐसे ऐसा होता था कि मतलब वो लोग चिढ़ा रहे या कुछ कर रहे तो वहाँ से हम भाग ही जाते वी बोथ लाइक ईच अदर एंड देन लेटर ऑन आफ्टर अ वीक और समवेयर आई प्रपोज्ड हर एंड द प्रपोजल वाज आल्सो वेरी फनी मैंने उसको मतलब ऐसे आई गेस मैंने उसको चॉकलेट्स और टेडी दिया एंड मैं उसको ऐसे सीधा आई लव यू बोल के भाग गया तेरे मेरे प्यार नु नजर ना लगे liking me so I started liking him and that's how our love story began and it's reached a new beginning now Yeah,
खुदी से या प्रीत जुड़ी है तुझी से बनड़ो सोचू ना जानू ना जानू फिर सोचू पहचानू तुझे मैं बनड़ो की शादी चांडक परिवार के लिए एक बहुत डिफरेंट शादी है क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन की मैरिज है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो आप जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान है मून पे। जैसे ही वो मून पे गया तो उसके पहले वर्ड्स थे वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यशा की वेडिंग मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। He's been a wonderful person and maybe other people are sad that you are getting married and going away, but I am most happy that you are getting married to the most right person and you would finally make it to him. So God bless Best you both. Best of luck. Meri shaadi hui thi, Yasha was around 12-13 years old. So us samay meri shaadi ki shopping wagare hoti thi, so she was really excited. अरे कितना ज़्यादा सामान देते हैं शादी में, दादा मेरी भी शादी करा। Hi Yasha, at last you are getting married, love marriage. Everybody always thought Yasha is my daughter. Today I'm getting an opportunity to do Kanya Dan. I'm so thankful to Ushabi Sun India for giving me this opportunity. जिसको पसंद करते हो उसी के साथ अपनी आप लाइफ बिताने का डिसीजन लेते हो एंड ये डेफिनेटली बहुत ही बेहतर डिसीजन लिया यशा ने अपने आप के लिए। अब थोड़ा दिन में धड़ अब हो रहा है कि भाई वो अब चली जाएगी, जो अपना एक उस पर भी जो हक था वो कहीं थोड़ा खत्म होने वाला ऐसे लग रहा है। तेरे लाड़की मैं रहूंगी, तेरे लाड़ली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं, जरा